हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन सिनेमा के 4 ब्लॉकबस्टर एंड हाई ग्रॉसिंग मूवीज के बारे में जो अभी तक साउथ इंडियन सिनेमा में एक दमदार रिकॉर्ड बना चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है बाहुबली 2 यानी बाहुबली द कंक्लूसन। यह मूवी साउथ इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है। यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसकी डायरेक्शन SS राजामौली सर के द्वारा की गई है। इस मूवी की रिलीज डेट है 28 अप्रैल 2017। इस मूवी की बजट है 250 करोड़ इन इंडियन रुपीस। अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो यह मूवी 1800 करोड़ अब तक कमाई कर चुकी है। इस मूवी में बाहुबली यानी पैन इंडिया एक्टर प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राणा दुर्गावती एंड रम्या कृष्णा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स काम कर चुके हैं। नंबर 2 पर हैं बाहुबली द बिगिनिंग। यह फिल्म भी SS राजामौली सर की डायरेक्शन में बनी है जो एक एक्शन वॉर मूवी है जिसमें प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राणा दुर्गावती, रम्या कृष्णा और अद्विशेष और नोरा फतेही भी काम कर चुके हैं। यह मूवी 10 जुलाई 2015 को रिलीज हो चुकी है। अगर हम बात करें बजट के बारे में तो यह मूवी 180 करोड़ के बजट में बनी है और अब तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 650 करोड़ इन इंडियन रुपीस। नंबर 3 पर है पुष्पा द राइज। वन ऑफ द टैलेंटेड डायरेक्टर सुकुमार की डायरेक्शन में बनी यह एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसमें स्टाइल्स एक्टर अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना एंड समंता जैसे वेरी टैलेंटेड एक्टर्स काम कर चुके हैं। इस मूवी की रिलीज डेट है 17 दिसंबर 2021। अगर हम बात करें बजट के बारे में तो यह फिल्म 200 करोड़ के बजट में बनी है और अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 365 करोड़ इन इंडियन रुपीस। नंबर 4 पर है KGF चैप्टर 1। प्रशांत नील सर की डायरेक्शन में बनी यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसमें रॉकी बाई यस, सिनिधि शेट्टी एंड रामाचंद्र राजू जैसे कलाकार काम कर चुके हैं। इस मूवी की रिलीज डेट है 21 दिसंबर 2018। अगर हम बात करें बजट के बारे में तो यह मूवी 80 करोड़ के बजट में बनी है और अब तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 280 करोड़ इन इंडियन रुपीस। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।